हेलो गाइस, तो आज का हमारा टॉपिक है गर्मियों में फिशेस की केयर कैसे करें। तो फिश टैंक की वीडियो अलग आएंगी, ये फिश टैंक की वीडियो, फिश टैंक की केयर, फिश टैंक के फिशेस की कैसे केयर करें, और पॉन्ड के फिशेस के वीडियो अलग से आएंगी, तो वो भी देख लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो टैंक है, मैं पहले भी बताया था आपको, क्या आपको खिड़की या दरवाजे के पास आपका टैंक मत रखना है, क्या उसके ऊपर डायरेक्ट धूप आए तो आपका पानी जो है वो बहुत गर्म हो सकता है और आपकी फिशेस मर भी सकती है। और आपको एक जहाँ पर धूप नहीं आती वहाँ रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका पानी है आपके पास, अपन क्या करते हैं ठंडियों में, अपन फिश टैंक के अंदर वो लगा देते हीटर, तो उससे हमारा पानी गर्म हो जाता है। लेकिन जब हमारा फिश टैंक धुपकाले में गर्म होता है तो उसे हम ठंडा नहीं कर सकते। तो हम आज दो बात करने वाले, दो टॉपिक्स, हम हमारा जो पानी है उसको ठंडा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पानी होता है वो आपको डेली 10% पानी या दो दिन में आपको 10% पानी चेंज करते रहना है। इससे क्या होगा, रोज़ आपको कब करना है, दोपहर के टाइम पे, 2 बजे के टाइम पे आपको करना है, या फिर 12 बजे के टाइम पे जब ज़्यादा धूप होती है, जब आप उसका पानी चेंज कर सकते हैं 10% दो दिन में, या फिर एक दिन में भी करें तो बहुत बेहतर है। तो एक दिन में भी पानी 10% चेंज करें तो बेहतर है। तो ये आप एक हो गया हमारा पहला टॉपिक, जिस पे आप ऐसा पानी चेंज करके पानी को ठंडा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा एग्जिट फैन लेके आ सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको एग्जिट फैन ला लेनी, क्योंकि मैं अभी तो फिट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे तरफ इतनी कुछ गर्मी नहीं बढ़ी है, अभी ठंडी है, तो मैं इसको अभी नहीं लगाऊँगा। इसकी वीडियो बाद में आ जाएंगी, जब गर्मी ज़्यादा हो जाएंगी तो इसकी भी वीडियो आ जाएंगी, आप कैसे लगाए फिश टैंक में। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके तरफ गर्मी आ चुकी होंगी तो आपको कैसे लगाना है। आपको क्या करना है, एक एग्जिट फैन ले लेना है, और उसके बाद जो उसके सुराख होते हैं, तो एक ये सुराख और एक ये सुराख, इसमें आपको तार के अकोड़े बना के लगा देना है, और टैंक के ऐसे साइज में आपको ऐसे अटका देना है, एक यहाँ पे ये वाली उंगली के पास और एक अंगूठे के पास आपको ऐसे फिट कर देना है। तो ये हवा नीचे फेंकते रहेगा और हमारा पानी ठंडा रहेगा, लेकिन मैं अभी फिट नहीं करूँगा, इसकी वीडियो मैं बाद में ला दूँगा, क्योंकि अभी हमारी तरफ ठंडी नहीं है। तो अब ऐसे लगाएंगे तो आपका जो ऊपर से हवा फेंकते रहेगा तो हमारा पानी ठंडा होते रहेगा। तो इसको भी आप 6 से 8 घंटे चलाएं, सुबह 10 बजे से शाम में 5 बजे तक इसको चलाएं, क्योंकि बाद में 5 बजे के बाद ठंडी हो जाती है, तो इतना कुछ पानी गर्म नहीं रहता। तो ऐसे ये दो टॉपिक थे हमारे आज के। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप देख सकते हैं मेरा स्नेल भी कितना बड़ा हो चुका है, और हमारी गप्पी फिश क्रॉस ब्रीड बेबीज देने वाली है, तो उसके ऊपर भी अपडेट आ जाएगा। और पॉन्ड के लिए आप कैसे केयर करें गर्मियों में, तो उसके ऊपर भी वीडियो हम ला लेंगे।